नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 के एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर कोड दिया गया है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे जो नाम एड्रेस या सेंटर का नाम आ रहा है वो अलग दिख रहा है, जबकि प्रिंटेड जो एड्रेस दिया गया है, नाम दिया गया है, सेंटर का नाम दिया गया है, वो सही है स्टूडेंट्स का, लेकिन क्यूआर कोड में अलग दिख रहा है, किसी और अभ्यर्थी का नाम एड्रेस वगैरह दिख रहा है। तो ये एक दो स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरह की समस्या हो रही है। और बीएसएससी के प्रभारी सचिव सौ ओएसडी मनोज कुमार जी से जब हमने इस पे बात किया फोन से, तो उन्होंने कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, जो प्रिंटेड नाम एड्रेस वगैरह दिया गया उसी को सही माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा तो फिर वो किस तरह से लिया जाएगा, क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जाएगा या क्या किया जाएगा, तो फिर उस समय दिक्कत होगी। हमने ये सवाल भी उनसे किया कि क्यूआर कोड जो दिया हुआ है उसको स्कैन करके अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस को आप मिलाइएगा तो फिर मैच नहीं करेगा, तो उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी तो वो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाद में मान लीजिए कहे कि दिक्कत होगा, बाद में कहे कि भाई आपका जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं मैच कर रहा है, फिंगर मिसमैच हो रहा है, ये सब कहे, तो बाद में हो सकता है ये पलट जाए, इसकी तो गारंटी कोई नहीं लेगा। तो मुझे जैसा कहा गया बीएसएससी के प्रभारी सचिव सह ओएसडी मनोज कुमार जी के द्वारा, मैं वही बात आप लोग को बता रहा हूं कि उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, और बाद में वो पलट जाए तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जैसा कि सभी भर्ती आयोग के सचिव अध्यक्ष अपनी बातों से पलटते भी रहते हैं, तो बाद में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जो सचिव का कहना है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप लोग खुद इस बात को सोचिए कि हो सकता है कि अगर बाद में आपको दिक्कत आ जाए तो इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले रहा है। बीएसएससी के सचिव बोल रहे हैं कि बाद में कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए लिखित में कोई नोटिस जारी होना चाहिए, या तो नोटिस जारी कर दे बीएसएससी ताकि सभी अभ्यर्थी निश्चिंत हो जाए, उनकी समस्या दूर हो जाए, या नहीं तो फिर आप लोग जो है शुक्रवार 16 दिसंबर को आप लोग बीएसएससी ऑफिस आइए। जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग, कम से कम जो पटना में हैं, तो लोग बीएसएससी ऑफिस जाइए, 11-12 बजे जाइए, 12 बजे बीएसएससी ऑफिस जाइए और वहां अपनी मांगों को रखिए। मैं अभी बीमार चल रहा हूं और मैं अभी घर दरभंगा आया हुआ हूं, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन और उसमें आंदोलन की भी बात नहीं है, कोई नेतृत्व करने की बात नहीं है, ना ही किसी तरह के आंदोलन की बात है। आप लोग बीएसएससी ऑफिस शुक्रवार 16 दिसंबर को जाइए, 16 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस जाइए। जो लोग कम से कम पटना में, वो लोग तो जा सकते हैं आराम से, तो आप लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर वहाँ बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव से मिलकर अपनी बातों को रखिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आंदोलन की तो बात है नहीं, यहाँ सिर्फ अपनी बात को रखना है कि ये समस्या हो रही है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। बाकी अभी सचिव जो है उन्होंने फ़ोन से जब हम बातचीत किए तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। अगर बाद में दिक्कत हो तो इसकी गारंटी तो वो ले रहे हैं, या कुछ ऐसा तो है नहीं, इस ऑफिशियली तो कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है इस संबंध में। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाना है तो हो सकता है इससे कोई दिक्कत हो जाए बाद में, जिस तरह से फिंगर मिसमैच की बातें होती है हर एग्जाम में होती है। तो आप लोग, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग 16 दिसंबर को, यानी कि शुक्रवार को 16 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस 12 बजे आप लोग जाइए। कम से कम जो पटना या आसपास में वो लोग तो जा सकते हैं ना, 2 घंटा आप चल जाएगा, नहीं तो फिर बाद में मिसमैच का दिक्कत आ जाएगा, तो आप पता चलेगा कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और मिसमैच के चलते आपका रिजल्ट फंस गया। तो आप लोग जाइए, हम अभी पटना में नहीं है, अभी हम घर दरभंगा हैं और हम अभी बीमार चल रहे हैं, तो अभी हम नहीं आ पाएंगे, और अभी आंदोलन की जरूरत तो है नहीं, इसमें आंदोलन की तो बात है नहीं, ना ही किसी तरह के नेतृत्व करने की बात है। तो आप लोग जो भी बीएसएससी अभ्यर्थी कम से कम पटना या उसके आसपास में है, तो आप लोग थोड़ा सा समय निकल के 16 दिसंबर शुक्रवार को 12 बजे आप लोग बीएसएससी ऑफिस जाइए और वहाँ बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष से मिलकर अपनी बातों को रखिए। हमने पारदर्शिता के मुद्दे पे भी बीएसएससी के प्रभारी सचिव से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि ये अध्यक्ष महोदय करेंगे, जो करेंगे, हम लोग को कोई पावर नहीं है। तो हम बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से कहना चाहते हैं कि ये कैसी परीक्षा आप ले रहे हैं, जिसमें ना आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दे रहे हैं, ना क्वेश्चन बुकलेट दे रहे हैं, ना आंसर बता रहे हैं, ना कटअप जारी कीजिएगा, ना किसी का मार्क्स बताएगा, तो ये कैसी परीक्षा है? ये बच्चों का मजाक नहीं चल रहा, ये खेल नहीं चल रहा है, ये मिनी आईएएस सचिवालय सहायक को कहा जाता है, उसकी परीक्षा हो रही है, ये किस तरह की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो रही है? अब बीएड का एंट्रेंस होता है बिहार में, उसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है, यूपी झारखंड में कार्बन कॉपियां दी जाती है, बीपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, यूपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, फिर ये सचिवालय सहायक की परीक्षा में क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो अध्यक्ष महोदय रविंद्र कुमार जी, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सही से परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं,
अगर आप ईमानदार हैं तो पारदर्शिता लाइए, और अगर आप पारदर्शिता नहीं लाते तो इसका मतलब होगा कि धांधली सेटिंग बीएसएससी सीजीएल 3 में हो रही है, जिस तरह से सीजीएल 2 में हुई उसी तरह सीजीएल 3 में भी धांधली सेटिंग बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है। और आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी है, आप लोग सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम दीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। लेकिन जहां भी कुछ गड़बड़ी लगे तो हमें फोन करके जरूर बताइए या पुलिस को बताइए, और आप लोग भी पारदर्शिता के लिए कम से कम आवाज उठाइए। सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, बिहार में लगना भी पड़ता है। अभी बीपीएससी 67वीं में आप देख रहे हैं, उसका भी आंदोलन अभी हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके जितने भी अभ्यर्थी है बीपीएससी के 99% सीजीएल 3 की भी परीक्षा दे रहे हैं, तो इसलिए अभी कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग परीक्षा देने में व्यस्त है, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसलिए अभी कोई आंदोलन करना भी उचित नहीं है। लेकिन आप लोग 9 लाख अभ्यर्थी है बीएसएससी में, अगर आप एक बार सड़क पे उतर जाइएगा तो बीएसएससी क्या, सरकार हिल जाएगी और सारी मांगे मानी जाएगी। तो आप लोग घर बैठे रहिएगा तो कैसे होगा? फिर सीजीएल 2 में जैसे गया था, फाइनल रिजल्ट जो कट ऑफ गया था 138, 150 में 138 कट ऑफ गया था, तो आप सोच लीजिए कि कैसे गया होगा। ओएमआरशीट रंगा गया, क्वेश्चन पहले बता दिया गया, आंसर बता दिया गया, तो उसकी पुनरावृत्ति सीजीएल 3 में ना हो, इसके लिए आप जितने भी 9 लाख अभ्यर्थी है ना बीएसएससी सीजीएल 3 की, सबको एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग आवाज उठाइए। और अभी जो एडमिट कार्ड पे क्यूआर कोड में गड़बड़ी की बात है, तो आप लोग शुक्रवार को 16 दिसंबर को 12 बजे बीएसएससी ऑफिस आप लोग जाइए और वहां अपनी बात को रखिए बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय के सामने। और मैं बता दूं कि मैं नहीं आ सकता, अभी मैं बीमार हूं, मैं दरभंगा घर पे हूं, तो अभी मैं नहीं आ पाऊंगा। आप लोग जाइए वहां शांतिपूर्वक बात को रखिए, इसमें कोई आंदोलन की बात नहीं है, सिर्फ जाके अपनी बात को रखना है, जो समस्या है उसको रखना, अपना अपना एडमिट कार्ड का जीरोक्स करवा के सब लेते जाइए और वहां बताइए समस्या को। हम एक डेट बता दिए ताकि सभी लोग एक दिन जाए, कुछ लोग आज जाएंगे कुछ लोग कल जाएंगे, तो इसे नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग 16 दिसंबर को 12 बजे बीएसएससी ऑफिस जाइए और अपनी बातों को रखिए, जो भी समस्या है क्यूआर कोड से संबंधित, और पारदर्शिता की भी आप लोग उसमें मांग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।